अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप सब। मैंने माहद को तैयार कर दिया है और ये है ईद का सेकंड डे और आज हम बना रहे हैं बिरयानी। और बिरयानी यहाँ पर सारी नंदे, मेरी जितनी तीन नंदे हैं और तीनों जो हैं वो उनकी दावत है और यहाँ मैंने मसाला तैयार कर लिया है। ईद के सेकंड डे जो है वो हमारे घर सब खाना खाते हैं तो उन सब के लिए मैं आज बिरयानी तैयार कर रही हूँ। यहाँ चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल जो है वो 3 किलो मैंने बनाए थे बिरयानी और चावलों का मसाला तैयार हो गया है और यहाँ मैं तेल लगा रही हूँ बिरयानी को। तो चावल बॉयल हो चुके थे, चावलों की और मसाले की तेल लग रही है यहाँ। और उसके अलावा मैं इस पर धनिया पुदीना काट कर डाल रही हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का और मुझे तो अच्छा लगता है। यहाँ मैं धनिया पुदीना काट कर ढेर सारा मसाले के ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने ढेर सारा धनिया पुदीना जो है इस पे डाल दिया है। एक गड्डी मैंने धनिया की ले ली थी, एक गड्डी मैंने पुदीने की ले ली थी और उसे मैं इस तरह हाफ हाफ पोर्शन में डालूंगी कि हाफ मैंने पहले डाला और हाफ दोबारा मैं डाल रही हूँ। और ये मेरी सास अब मेरी हेल्प करवा रही हैं तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। ईद के सेकंड डे जो है हम सब बैठते हैं मिलके और खाना एक साथ खाते हैं सब और गपशप करते हैं और अच्छा लगता है। ईद पर मेहमान आएँ और ईद पर सब साथ मिलके बैठकर खाएं और ये दोबारा चावलों की लेयर्स लग रही है। ये मैंने अपनी नंद की बेटी को मेहंदी लगाई थी और इसके अलावा ये मेरा ईद के सेकंड डे का ड्रेस है, ये मेरे ईद के सेकंड डे के सैंडल। ये ड्रेस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने खुद करवाई थी, मुझे अच्छा लगता है अपने सूट की डिज़ाइनिंग खुद करवाना और ये मैंने स्टिच करवाया था। और यहाँ लग गए हैं चावलों को दम और बिरयानी तैयार हो गई है।